नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स सहबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को ही मतदान होगा और इसके लिए शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के चैबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर एवं चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में ही मतदान कराया जाना है। उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जाँच 28 अक्टूबर को की जाएगी। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं और मतदान की तिथि 13 नवंबर निर्धारित है। मतगणना 23 नवंबर को कराई जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विधानसभा वार मतदान की समयावधि तय की गई है। चैबासा विधानसभा क्षेत्र के 46 मतदान केंद्रों, जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के 89 मतदान केंद्रों, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के 184 मतदान केंद्रों, चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के 61 मतदान केंद्रों और आंशिक रूप में पड़ने वाले सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के 14 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से 4 बजे तक होगा। वहीं शेष अन्य सभी मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होगी। विधानसभा क्षेत्र चैबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर का संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत पांचों विधानसभा क्षेत्र के लिए नियत समय 11:03 शाम तक उनके संबंधित रिटर्निंग ऑफिस के जो कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। तो गजट अधिसूचना जारी करने की तिथि आज 18 अक्टूबर है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक है। स्क्रूटनी यानी कि संवीक्षा की तिथि 28 अक्टूबर है। नाम वापसी की तिथि 30 अक्टूबर है। मतदान की तिथि 13 नवंबर एवं मतगणना की तिथि 23 नवंबर। साथ के साथ जो मतदान के लिए जो समय है वो भी अपने नोटिफिकेशन में, जो नोटिस ऑफ इलेक्शन उनके द्वारा जारी किया गया है, उसमें दिया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बार हम जो मतदान का जो समय है वो आपको बता देते हैं। 52 चैबासा अनुसूचित जनजाति, 46 मतदान केंद्र संख्या 75 से 79, 75 to 89, मतदान केंद्र संख्या 235 से 249, मतदान केंद्र संख्या 267 से 282। एक बार रिपीट कर देते हैं, मतदान केंद्र संख्या 75 to 89, 235 to 249, 267 to 282। इन 46 मतदान केंद्रों पर चैबासा विधानसभा में प्रातः 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शेष 238 जो मतदान केंद्र हैं उनमें प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 53 मझगांव अनुसूचित जनजाति, प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 54 जगन्नाथपुर अनुसूचित जनजाति, 89 मतदान केंद्र जिनकी विवरणी कुछ इस प्रकार है, मतदान केंद्र संख्या 1 से 36, मतदान केंद्र संख्या 50, मतदान केंद्र संख्या 51, 57, 66 और 68 से 89 तक, 119 से 127, 129 से 131, 133, 134, 221 से 233, मतलब कुल 89 मतदान केंद्र हैं, उन पर प्रातः 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा एवं शेष सभी 144 मतदान केंद्रों में प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मनोहरपुर 55 मनोहरपुर अनुसूचित जनजाति, 184 मतदान केंद्र हैं जिन पर सुबह 7 से 4 बजे तक मतदान होगा, उनकी संख्या है, मतदान केंद्र 1 से 30, 36 to 59, 62 to 90,
92 to 98, 102 से 106 तक, 108, 110 से 114, 121, 126 to 131, 135 to 137, 139 to 144, 147, 150 to 164, 170, 177, 178, 181 से 198 तक, 206, 207, 211, 214 से 228 और 233, 234, 246 से 249 तक, 252 से 257 तक। इन सभी 184 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शेष बचे हुए 80 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 56 चक्रधरपुर अनुसूचित जनजाति, 61 मतदान केंद्र जिनकी संख्या है 1 से 3, 6, 8, 9, 11 से 31, 35, 36, 38 से 41, 44, 56, 68, 175 से 179। इन 61 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। शेष सभी 175 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। ये पांचों विधानसभा में जो इलेक्शन का जो वोटिंग का जो टाइमिंग है, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिस पे आज जो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने अपना जो नोटिस जारी किया है, जिसका प्रति सभी जगह जारी कर दिया गया है, आप लोगों को भी इसके बाद मिल जाएगा। उन्होंने इसको इसमें समय और तिथि और नामांकन और स्क्रूटनी के बारे में विस्तृत रूप से इसमें विवरणी दे दी गई है। और आज सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में शुरू कर दी गई है। टाटा स्टील की ओर से 17 नवंबर 2024 को नवामुंडी में रनेथॉन का आयोजन किया जाना है। शुक्रवार को चाईबासा में एक स्थानीय रेस्टोरेंट में टाटा स्टील नवामुंडी के महाप्रबंधक अतुल कुमार भटनागर, नवामुंडी आयरन माइंस के चीफ डी विजेंद्र, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के प्रमुख राजेश रंजन और खेल विभाग से संजीव कुमार की मौजूदगी में रनेथॉन के लिए डिजाइन किए गए शर्ट का विमोचन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए महाप्रबंधक ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन 17 नवंबर को नवामुंडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की अलग अलग प्रतियोगिताएं होगी। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 5,000 से ज्यादा प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। महाप्रबंधक ने बताया कि 15 साल से अधिक उम्र के पुरुष और महिला प्रतिभागियों के लिए 10 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की प्रतियोगिता होगी। वहीं 16 साल से कम उम्र के बालक एवं बालिकाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। दिव्यांगों के लिए 2 किलोमीटर की प्रतियोगिता होगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के लिए भी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। वह प्रतियोगिता भी वही होगी। 10 किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पर आने वाली महिला और पुरुष प्रतिभागी को 51,000, द्वितीय को 41,000 और तृतीय को 31,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं 7 किलोमीटर की प्रतियोगिता में प्रथम को 25,000, द्वितीय को 20,000 और तृतीय को 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 5 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम स्थान आने वाले बालक एवं बालिका को 10,000, द्वितीय को 8,000 और तृतीय को 7,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में 10 किलोमीटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला प्रतिभागी को 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं द्वितीय स्थान के लिए 11,000 और तृतीय स्थान के लिए 7,500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 7 किलोमीटर की प्रतियोगिता में प्रथम को 10,000, द्वितीय को 7,500 और तृतीय को 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 5 किलोमीटर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाले बालक और बालिका को 6,000, द्वितीय को 5,000 और तृतीय को 2,500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, जो 7 नवंबर तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कैटेगरी में कुल 5,67,000 पुरस्कार स्वरूप वितरित किया जाएगा। नवमुंडी में साथ ही साथ सबसे गर्व की बात क्या है कि यह नवमुंडी का 100वां साल है माइनिंग का। 1 जून 1925 में हम लोग ने नवमुंडी में माइन में माइनिंग शुरू की थी।
और ये अभी हमारा माइन का 100वां साल चल रहा है जब हम लोग माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग भी कैसे सस्टेनेबल तरीके से, आज भी आप जाके देखिए, आप सब जब भी जाते हैं नोमोनी से तो पूरा हरा भरा है, पॉल्यूशन नहीं है, और ये संभव है सस्टेनेबल माइनिंग से। सस्टेनेबल माइनिंग सिर्फ कंपनी के कारों से नहीं संभव है, ये संभव हुआ है जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो गांव के लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के प्रयासों से। एक पौधा कटा तो कहीं ना कहीं पौधे लगाए, आज भी वो नोमोंडी और उसका आसपास का क्षेत्र हरा भरा इसीलिए है कि ना सिर्फ कंपनी बल्कि जो कम्युनिटी हमारे साथ 100 सालों से है उसने भी इस प्रयास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। चाहे वो फलदार वृक्ष हो, लोकल स्पीसीज हो, हर जगह पे हमें पूरा सपोर्ट मिला है हमारे कम्युनिटी से इस हमारे ग्रीन एनवायरनमेंट करने के प्रयास में, और इसीलिए इस बार का रणनीति भी फोकस करेगा सस्टेनेबल एंड ग्रीन माइनिंग पे। और जैसा है कि इसमें लगभग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 5000 लोग भाग लेंगे, साथ ही साथ में बहुत सारे नेशनल लेवल के रनर्स भी इसमें आते हैं, और इसीलिए दो अलग कैटेगरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोकल टैलेंट हैं जो हो सकता है आज नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने से उतना अच्छा नेशनल लेवल का परफॉर्मेंस ना कर पाए, बट ये मोटिवेशन है उनके लिए कि लोकल लेवल पे भी प्राइस है ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले। हमारा मैसेज जो है हरित क्रांति मतलब ग्रीन चैंपियन बनने का और ग्रीन कैंपेन करने का वो सबके साथ जाए और कम्युनिटी में जागरूकता पैदा हो और हम सब मिलके इस जागरूकता को बाकी लोगों तक भी पहुंचा पाए, तो यही प्रयास है। और मुझे मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को आप हमारे सारे लोगों में प्रसारित करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना, हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले की मनोहरपुर विधानसभा सीट आजसू के खाते में जाते ही भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने बगावत करते हुए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। एनडीए गठबंधन के तहत मनोहरपुर विधानसभा सीट आजसू के खाते में चली गई है। मनोहरपुर विधानसभा सीट आजसू के खाते में जाते ही मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि गुरुचरण नायक ने वर्ष 2009 में भाजपा के टिकट पर मनोहरपुर विधानसभा सीट से तत्कालीन विधायक जोबा मांझी को पराजित किया था। हालांकि पिछले कई चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली है। इस बार पार्टी ने यह सीट गठबंधन के तहत आजसू को देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद गुरुचरण नायक ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मन बना लिए हैं और हम चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं, और आज घोषणा भी ये मीडिया के सामने हम घोषणा करते हैं कि हम मनोहरपुर निर्वाचन क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। आपकी घोषणा के बाद अभी तक किसी पार्टी से आपको ऑफर आया है कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए? नहीं, कोई हमको अभी तक ऑफर नहीं किया है कोई भी पार्टी। कोई पार्टी अगर करते हैं तो उसमें मेरा परहेज भी नहीं है। अगर कहेंगे कि हमारा पार्टी से लड़ो तो मेरा परहेज भी नहीं किसी पार्टी से, क्योंकि हमको लड़ना ही है, चुनाव के लिए ही हम काम कर रहे हैं। जिंदगी मेरा इसी में बीत गया
लोगों को सेवा में और चुनाव लड़ते रहे। आज से हम 30 साल हम पार्टी का काम कर रहे हैं और संगठन का भी काम कर रहे हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं। और इलेक्शन हर चुनाव हम आज 6वां बार हमारा चुनाव लड़ चुके हैं, अभी लड़ेंगे तो 7वां बार हमारा चुनाव लड़ होगा। इसलिए हम चुनाव लड़ने के लिए हम घोषणा कर दिए। पार्टी गठबंधन के तहत अच्छू को जो सीट दिया गया, इस फैसले को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, हमें मेरी ओर से कोई दुख भी नहीं है और जो निर्णय लिया है पार्टी कोई सोच करके निर्णय लिया होगा, क्योंकि बीजेपी का वोट यहाँ पर इस बार लोकसभा में मेरे ही नेतृत्व में हमारा ही मैं चला था तो लगभग 50,000 वोट आया था और पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 34,900 वोट हम लड़े थे तो बीजेपी को मिला था और आसू को मात्र 13,000 वोट मिला था। अब पिछले बार लोकसभा में लगभग 50,000 वोट मिला था तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन निर्णय लिया है, क्या सोच करके ऊपर से नीचे की ओर सोचा है या ऊपर से नीचे से ऊपर सोचा है, तो उन लोग का सोच जो है सही होगा मेरे ख्याल से। जो भी लोग निर्णय लिया आपने सोच करके लिया तो सही है। पार्टी संगठन से विरोध करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी के ऊपर आपका निष्कासन का भी तलवार लटक रहा, तो आगे के क्या आपका स्टेप होगा, क्या निर्णय लेंगे? नहीं, जब यह निष्कासन का तो बातें नहीं है और इसमें तो जब आसू को गठबंधन में दे दिया, हम तो प्रचार प्रसार जो भी करते थे हम भारतीय जनता पार्टी कमल फूल का है हम करते थे, लेकिन यहाँ पर कमल फूल ही नहीं रहेगा तो किसका हम प्रचार करेंगे और आगे भी इसका संगठन ही नहीं रहेगा, किसके लिए संगठन करेगा? विधानसभा में नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन हम लोग का जो कार्यकर्ता है, जो हमारे जनता है, उन लोग का भी मनोभाव को हमको जानना है। कार्यकर्ताओं में यानी कि आपके समर्थक और क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है उनमें नाराजगी है? हाँ, भाजपा के भी जो कार्यकर्ता है उनमें नाराजगी है? उनमें नाराजगी है और उन्होंने भी प्रेस किया है कि लड़ना ही होगा। कुल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी की अगुवाई में चैबासा समाहरणालय परिसर से सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान तक मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए एसोसिएशन मैदान तक पहुंची, जहां सभी को प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदाता शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि आगामी 13 नवंबर को पश्चिमी सिंहभूम जिले का मतदान दिवस है, उस दिन सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर अवश्य मतदान करें, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र में आगामी 13 नवंबर को मतदान किया जाना है। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी, स्वीप नोडल पदाधिकारी सह सहायक समाहर्ता अर्णव मिश्रा, प्रभारी पदाधिकारी स्वीप कोसांग सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल, प्रभारी पदाधिकारी स्वीप कोसांग सह जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की सहित स्वीप कोसांग के अन्य पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 5 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर कुल 16 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा है। चैबासा विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 6 उम्मीदवारों ने पर्चा खरीदा है। नामांकन पत्र खरीदने वालों में मेवालाल हुनागा निर्दलीय, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से मंगल सिंह सुंडी निर्दलीय, सरोती देवी आदिवासी किसान मजदूर पार्टी से जॉन मिरन मुंडा, लोकहित अधिकार पार्टी से सुभद्रा सिंकू और बहुजन समाज पार्टी से तुरी सुंडी ने नामांकन पत्र खरीदा है। वहीं मझगांव विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक नीरल पूर्ति, मंझारी के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल, बड़कुअर गागराई योगेश कालुंडिया ने पर्चा खरीदा है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से BJD से लक्ष्मी नारायण लागुरी, JBKSS से ज्वाला कोड़ा और आदिवासी किसान मजदूर पार्टी से मानसिंह तिरिया ने नामांकन पत्र खरीदा है। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा से वर्तमान विधायक सुखराम उरांव और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दामयंती नाग ने नामांकन पत्र खरीदा है। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से सांसद जुबा मांझी के पुत्र जगत मांझी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से नामांकन पत्र खरीदा है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं
तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनार पट्टी सदर बाजार चैबासा। आया आया नीलम शुभ में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजावाड़ी गली सदर बाजार चायबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक समाहरण नाले सभागार में की। इस दौरान राजनीतिक विज्ञापनों के प्री सर्टिफिकेशन संबंधी आवेदन और पेड न्यूज संबंधी विषयों के निष्पादन को लेकर किए जाने वाले कार्यों पर विस्तृत चर्चा करते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश से अवगत कराया गया। बैठक के दौरान आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से प्रचार प्रसार के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन करने को कहा गया। बताया गया कि प्रत्याशी को किसी भी तरह के प्रचार सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण होने की तिथि से 3 दिन पहले जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से परमिशन लेना होगा। यदि राज्य निर्वाचन आयोग से परमिशन लिया जा चुका हो तो सूचना के साथ प्रचार सामग्री 4 प्रति में उपलब्ध कराना होगा। प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को भी प्रचार सामग्री छापने के दौरान आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया। सीएमसी का जो भी केसेस होगा वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा, वो उसका एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हो, एमसीएनसी जो कमेटी है यहाँ पे जिला स्तर का, वो एक कॉपी देंगे और जो वो शेडो ऑब्जर्वर्सन रजिस्टर रहेगा इनके पास, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के पास, वो उसमें नोट करेंगे और फोल्डर ऑफ एविडेंस रहेगा। जो भी आपका जो एक्सपेंडिचर रहेगा, जो पेड न्यूज होगा या अन्य कोई भी इस तरह का एक्सपेंडिचर होगा, वो उसमें ही जाएगा। और इसके जो मॉनिटरिंग होगी, अगर आप लोगों का जो दायरा है 40 लाख का दायरा है, उसके आगे जो भी जाएगा फिर कार्रवाई के आप लोग भागीदारी हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को इस बाबत आप लोगों को सूचना देना है कि आप लोगों ने उसमें एक्सपेंडिचर किया, चाहे कोई भी एक्सपेंडिचर हो, पेड न्यूज़ का हो या फिर आपका जो पोस्टर बैनर है उसका भी आपका एक्सपेंडिचर एक रहता है, मुद्रा का साइन रहता है, उसके साथ आपको देना है। नहीं तो फिर सारे एक्सपेंडिचर का जो AEO हमारी जो टीम है, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो 5 है यहाँ पर, जो इस पर निगरानी रखेंगे और उसको अपना एविडेंस में लेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।